भारत ने कंगारुओं को दो शुरुआती टेस्ट में शिकस्त देकर लहराया भारतीय परचम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद सपोर्ट में उतरा इंग्लैंड। बेन स्टोक ने भारत को धमकी देते हुए जमकर उगला जहर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत भारतीय टीम की जीत के साथ हुई थी। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का तो यह भी कहना था कि वे 4-0 से भारतीय टीम को इस सीरीज में शिकस्त देंगे, लेकिन भारतीय टीम ने कंगारू के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में पारी और रनों ने रनों से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा कर लगभग इस सीरीज पर कब्जा करने का पूरी तरह से मन बना लिया है। भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई जैसी खतरनाक टीम को मानो अच्छे ही दिए भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों ने। लेकिन आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया टीम इस समय काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरती हुई नजर आ रही है। टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं और लगभग आधी टीम वापस ऑस्ट्रेलिया लौट चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की नाजुक हालत को देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने भारतीय टीम पर जहर उगला है। स्टोक ने अपने बयान में कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने के बाद भारत को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी उतनी काबिलियत नहीं है जितनी भारत समझ रही है घरेलू पिच पर क्रिकेट खेलकर। बेन स्टोक ने कहा कि के आधे खिलाड़ी तो चोटिल हैं, अन्यथा ऑस्ट्रेलिया ही भारत को उन्हीं की सरजमी पर हारने की ताकत रखती है। लेकिन अगर भारत समय के अनुसार यह सोचने लगा है कि वह अपनी टीम में तब्दीली कर चुका है और वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम है, तो शायद उनके इस गुरूर को सिर्फ इंग्लैंड की टीम ही तोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अगर ज्यादा घमंड आ गया हो तो वह इंग्लैंड के साथ जल्द ही टेस्ट सीरीज का आगाज करे। हमारी टीम भी वह काबिलियत रखती है जो कि भारत की सरजमी पर भी भारत को हराने की ताकत रखती है। खैर, यह बात तो भारतीय टीम भी जानती है कि हमारे पास वह खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट को भी T20 बना सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई भी दमदार खिलाड़ी मौजूद नहीं आता जिसकी वजह से वह हमारी इंग्लैंड जैसी टीम को टक्कर ले। इस तरह से बेन स्टोक ने भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए खूब जमकर जहर उगला है और जल्द ही टेस्ट सीरीज खेलने की बात भी कही है। आपको याद दिला दे कि अभी बीते कुछ समय पहले जब इंग्लैंड के साथ भारतीय सरजमी पर टेस्ट सीरीज खेली गई थी तो भारत टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा कर इतिहास ही बना दिया था। लेकिन शायद फिर भी बेन स्टोक इस बात को भूल गए और अब फिर से भारत के हाथों शिकस्त पाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, क्या दोनों के बीच एक टेस्ट सीरीज होती है तो इस बार कौन सी विजेता बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।